चंद। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आख़िरुज़्ज़मां अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा व तैयतुस्सना सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सलातो सलाम अलैकुम या सैयदी सल्लल्लाहु अलैहि। मैं अपने तमाम देखने वाले चाहने वाले तमाम अहले शौक पाकिस्तान, अहले शौक पंजाब और ज़िला गुजरात से तलक रखने वाले जितने भी अहले शौक हैं उनकी खिदमत में दोस्तों जमालपुर सईदा गुजरात से बराए रास्त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों एक बात का इंतहाई दुख है कि आप यकीन करें कि ये जो बैसाख है नटने से बड़ी मुझे तशनगी रही है कि मैं आप लोगों को उस तरह का भरपूर शौक नहीं करवा सका। एनी हाउ दोस्तों, मैं इस वक्त सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब, सैयद सगीर हुसैन शाह साहब और इसी तरह उस्ताद सैयद खुरम शाह साहब आप जमालपुर सईदा उनकी डेरे वाली छत पे मैं मौजूद हूँ। दोस्तों मैं समझता हूँ कि इस छत ने जितने भी सीज़न है, चेतर की बात हो, बैसाख की बात हो, जेठ की बात हो, असवज की बात हो, तमाम बड़े एजाजात जो हैं ये माजी में इसने अपने नाम किए हैं और आलिया बैसाख 2023 में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अब तक की जो इतला है ये छत गुजरात के 9 टूर्नामेंटों में ये जीत कर बैसाख 2023 गुजरात के चैंपियन का एजाज इन्होंने अपने नाम कर लिया है। इसी तरह एक राजा इब्रार मीरपुर से एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वो 3 रोज़ा टूर्नामेंट हैं, 2 टूर्नामेंट हैं उसके, उसमें भी ये छत जो है बड़ा अच्छा शानदार कम्पीट कर रही है। उसका रिजल्ट नहीं आ रहा अभी, जो उसका रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह पोस्ट की सूरत में आपको मिलेगा। इस तरह पंजाब के 8 बड़े टूर्नामेंटों में और इसी तरह अपना शौक जो कि उस्ताद चौधरी फियाज ऑफ डोरिया वो टूर्नामेंट करवा रहे हैं, वो 5 रोज़ा टूर्नामेंट है, उसमें भी ये छत जो है वो शामिल है। तो इंशाल्लाह पंजाब का रिजल्ट तकरीबन 8:30 बजे अनाउंस हो जाएगा, तो फिर हम आपकी खिदमत में इंशाल्लाह वो रिजल्ट भी देंगे। तो आइए दोस्तों, आप दोस्तों को तशनगी होगी कि उस्ताद काले खां ने, दोस्तों मैंने बहुत दफ़ा ये बात की कि अकेला आदमी इस छत पर रह के, अकेला आदमी इतनी मेहनत कि मैंने बहुत कम लोगों को इस तरह मेहनत करते हुए देखा है कि एक आदमी छत पे हो, कबूतरों की तैयारी भी करे, उन्हें खुराक भी दे, उनका कबूतरों का बैठना भी है, उनको संभालना भी है और ऊपर भी आप यकीन करें कि दिन भर आना जाना लोगों का लगा रहता है, उनको भी इंटरटेन करना ये बड़ा मुश्किल अमर है। एनी हाउ दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का फजल हो, किस्मत अच्छी हो और उसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो लोग मेहनत करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी मेहनत को ज़ाया नहीं करते और काले खां को अल्लाह पाक ने इसकी मेहनत का जो फल है आज उसे दिया है। तो जो कबूतर है इनके आज उड़े हैं शाह साहब के, वो मैं थोड़ा सा आपको दिखा रहा हूँ। चैंपियन ऑफ चैंपियन गईराज जी, ज़िला गईराज जी, एक कबूतर ने जी, माशाल्लाह जी, कोडू कितने गया? तीसरे नंबर ते जरा जी कोडू जी आहर ते आके बैठा जी, परले पासों तीसरे नंबर ते जी इधर उस पासे आगो दा टोर ने, उस पट्टी दे अपना टोर ने सारे मोहन दे नीचे ओए बंदी उठ के लगा जी तो ये दोस्तों गुजरात बैसाख 2022 के चैंपियन कबूतर सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब के और आगे दौड़ आना है, इन्होंने और भी उड़नी है क्योंकि बैनुलजलाई जो टूर्नामेंट है उस्ताद चौधरी फियाज ऑफ डोरिया अपना शौक के नाम से, वो 5 रोज़ा टूर्नामेंट है। गुजरात का चैंपियन का एजाज जो है ये सैयद मुनीर हुसैन शाह साहब ने अपने नाम कर लिया है।
जी बहुत सारे। ख्वाजा अकील बशीर साहब क्या ना जी, ख्वाजा साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं माशाल्लाह। कोडू एड़ा बिजनेस ने बेचो मरी है वे ऐ कर हां एक एक नहीं है पहले ओई 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 ये दोस्तों ये पहले नंबर वाला कबूतर, ये दूसरे नंबर, ये तीसरा जो कबूतर है, ये जो जिसको मैंने अपनी स्क्रीन पे थोड़ा सा बड़ा किया है, ये कोडू नाम का ये कबूतर, ये आज सातवां और आखिरी कबूतर इनका बैठा है। अरे हैं थे आप बहुत बहुत ठीक है। तो दोस्तों लाला जी माजिद को इराबाद कैमरामैन कैमरा इजाजत दीजिएगा। कारे खां बहुत बहुत मुबारक हो यार, बड़ा अच्छा शौक हुआ है माशाल्लाह। तो आगे जेठ की तैयारी भी इसी तरह इंशाल्लाह। तो दोस्तों इंशाल्लाह जेठ में भी ये जो 24 मई से ये टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहे हैं, आपको इंशाल्लाह इस छत से अच्छा शौक देखने को मिलेगा। लाला जी को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।